फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। एंजॉय लाइफ विद श्वेता में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं बनाने जा रही हूं चाय। मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने जा रही हूं। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को सुबह बेड पर ही चाय पीने की आदत है। जब तक मैं उनको बेड पर चाय नहीं देती, वो सोकर नहीं उठते हैं। तो मैं ये चाय बनाकर पहले अपने हस्बैंड को दूंगी, उसके बाद जाकर पूजा करूंगी। और फिर बैठकर पीऊंगी अपनी चाय। मेरी चाय बन गई है, अब मैं अपने हस्बैंड को देकर आऊंगी और फिर मैं करूंगी पूजा। ये देखिए, मेरी चाय बन गई है। मैंने अपने हस्बैंड को चाय दे दी है और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने। फ्रेंड्स, मैं एक रेंटल अपार्टमेंट में रहती हूँ और यहाँ पर बहुत कम स्पेस है, बहुत छोटा सा अपार्टमेंट है। यहाँ पर भगवान रखने के लिए मुझे कोई स्पेस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर डाइनिंग टेबल के ऊपर अपने भगवान जी को रखा है और मैं यहीं पूजा करती हूँ। मुझे पूरे अपार्टमेंट में कहीं समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर भगवान जी को रखूँ। एक यही जगह मुझे सुटेबल लगी भगवान रखने के लिए, तो मैंने यहाँ पर इन्हें रख लिया और मैं यहीं पूजा करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी पूजा कैसे करती हूँ, किन कौन से पाठ मैं करती हूँ और किन मंत्रों का जाप मैं करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से पूजा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे लेफ्ट साइड में मेरा कैमरा रखा हुआ है, इसलिए ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ओम त्रिमकम यामे सुगुण कृष्ण भारत में विनान मुक्षे मंत्र। ओम त्रिमकम यामे सुगुण ओम त्रिमकम यामे सुगुण कृष्ण वर्धनम भारत में विनान मुक्षे मंत्र। ओम मुक्षे मुक्षे। अब आ गई हूँ मैं पूजा करके अपनी चाय पीने। फ्रेंड्स, ये सुबह की चाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये मैं बहुत ही रिलैक्स मूड में पीना पसंद करती हूँ, सिप सिप लेकर। क्योंकि ये सुबह की चाय यदि मुझे नहीं मिलती तो मेरा पूरा दिन बर्बाद चला जाता है, मेरे सिर में दर्द होने लगता है और किसी काम में मेरा मन नहीं लगता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। इसलिए ये चाय मेरे लिए सुबह की बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी सुबह की चाय ले ली है और अब आ गई हूँ मैं किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बचे हुए दाल और चावल से बनाना बताऊंगी दो नई रेसिपीज़ जो ब्रेकफास्ट में आप बना सकते हो और बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली बन जाती है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ रात की बची हुई दाल है, थोड़ी सी वो मैंने कढ़ाई में ले ली है और मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी पानी सूखने तक। जब तक इसका पानी पूरी तरह से सूख जाए तब तक मुझे इसे भूनना है। और यहाँ मैंने ले लिया है आटा और उसमें डाला है नमक। इस आटे का मैं डो प्रिपेयर कर लूँगी पराठे के लिए। मैं इस आटे को अच्छी तरह से गूंद लूँगी, डो की तरह प्रिपेयर करके रख दूँगी। जब तक मेरी दाल वहाँ भून रही है, यहाँ पर मेरा डो तैयार हो जाएगा।
ये देखिए मैंने अपना डो तैयार कर लिया है और यहाँ दाल को भी अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। अगर नीचे लग गई तो जल जाएगी और स्मेल आने लगेगी इसमें से, फिर पराठों में भी स्मेल आएगी, इसलिए इसे आराम से बिल्कुल नीचे से आपको भूनना है। जब तक ये दाल मेरी भून रही है मैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट रेसिपी के लिए प्रिपरेशन कर लूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू। इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इन्हें वॉश करके मैं बॉईल होने के लिए कुकर में चढ़ा दूँगी। ये देखिए मैंने कुकर में आलू रख दिए हैं और इन्हें मैं गैस पर रख कर अच्छी तरह से बॉईल होने तक चढ़ा दूँगी। और मेरी आदत है जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से सारा सामान हटा देती हूँ, मुझे खाली स्पेस चाहिए अपना काम करने के लिए। और इधर दाल को भी मैं भून रही हूँ साथ में, अच्छी तरह से इसका पानी भून जाए तब तक हमें इसे भूनना है। देखिए बबल्स आने लगे हैं, इसे तेज़ आंच पे भून लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए इसमें काफ़ी हद तक पानी सूख चुका है, इसे हमें 5 मिनट और तेज आंच पर चलाना है ताकि ये बिल्कुल डो की तरह हो जाए। ये अलग अलग जो अभी दाल इसकी इधर उधर हो रही है ऐसी नहीं है, बिल्कुल एक सी, ये देखिए ये आ गया बिल्कुल डो की तरह ये बन जाएगा। थोड़ी देर में देखिए बिल्कुल दाल इसमें से अलग होगी ही नहीं, ये देखिए बिल्कुल डो की कंसिस्टेंसी आ गई है। और अब इसे हमें कर देना है फ्लेम को ऑफ और अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए बिल्कुल डो जैसा बन गया ना, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। जब तक ये प्लेट में ठंडा होगा तब तक हम पराठे की आगे की प्रोसेस कर लेंगे। वहाँ गैस पर मैंने तवा चढ़ा दिया है और अब मैं आटे की जो मैंने डो, ये देखिए दाल बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गई है पराठों में भरने के लिए। और यहाँ जो डो मैंने पराठे के लिए बनाया था उसके हम बना लेंगे छोटे छोटे पेड़े। पराठे आप जैसे खाते हैं उतने बड़े पेड़े बनाइए, मोटे खाते हैं पतले खाते हैं तो आप उस हिसाब से छोटे या बड़े पेड़े तैयार कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए, मैं उनको ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर दही में शक्कर डाल के मिक्स करके रख दिया है प्लेट में और अब मैं पराठे बनाकर उनको गरम गरम सर्व करती जाऊँगी। मेरे हस्बैंड जल्दी जाते हैं ऑफिस सुबह, इसलिए मुझे उन्हें सबसे पहले ब्रेकफास्ट देना पड़ता है। बच्चे तो लेट उठते हैं, उन्हें थोड़ा देर से देना होता है। हम सब फिर तब तक इकट्ठे बैठकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये छोटी रोटी मैंने बनाई है गाय के लिए। हमारे यहाँ जब शुरुआत में सुबह सुबह कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले छोटी रोटी बनाते हैं गाय की। एक पेड़े को मैंने बेल लिया है और उसमें दाल का मिक्सचर भर लिया है और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये दाल बाहर ना आए। इसको दबा के हमें अच्छी तरह से पैक कर देना है, इसको चारों साइड से अच्छी तरह से दबाएंगे और फिर इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसे बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलिए, बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बिल्कुल ना तो दाल बाहर आती है और बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और इतने टेस्टी लगते हैं कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन पराठों को आप दही के साथ दीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये मैंने दूसरा पेड़ा भी बेल कर तैयार कर लिया था, उसमें मिक्सचर भरा है और ये देखिए इस तरीके से इसे दबा कर
हल्का सा प्रेस कर देना है, चारों तरफ से अच्छी तरह से दबाना है ताकि कहीं से मिक्सचर इसका निकले ना। इसे भी हम बेल लेंगे और इस तरह से हम कर लेंगे सारे पराठे तैयार। जितनी जल्दी जल्दी आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है, काश कि इतनी जल्दी जल्दी बन जाते। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसे स्पीड मोड पर कर दिया है। अब यहाँ मेरे सारे पराठे हो गए हैं तैयार, सारे पराठे मैंने बना लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं। अब यहाँ हम नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट रेसिपी के लिए हमने जो आलू बॉईल किए थे हमने उन्हें छील लिया है और उन्हें अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से मैश करिए, एक भी गुठले नहीं रहना चाहिए इसमें। बहुत अच्छी तरह से मैश करके इनको एक सा करना है। ये देखिए मैंने सारे आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे चावल। चावल करीब 2 कप होंगे ये। अच्छी तरह से आलू में इन चावलों को हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारे आलू चावलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ पर ले लिया है मैंने कढ़ाई में ऑयल तलने के लिए। और यहाँ पर आलू चावल के मिक्सचर में मैं डालूँगी मसाले। यहाँ 1 छोटी चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया है और 2 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और 2 छोटी चम्मच यहाँ डाला है मैंने नमक। अब इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 4 हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट के इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से पूरे मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमेशा की तरह सामान हटा देना बीच में से, जो भी प्लेट बर्तन जो कुछ भी रखा रहता है मैं उसको हटा देती हूँ। मेरी हमेशा की आदत है कि सब कुछ हटा के एक साइड करके फिर मैं अपना काम करती हूँ। यहाँ पर हमारा मसाला पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच अरारोट का आटा। अरारोट के आटे को भी आप अच्छी तरह से इस मिक्सचर में मिक्स कर लीजिए। पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब तक इसको खूब अच्छी तरह से मिलाना है। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। ये देखिए अब यहाँ प्लेट में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है कुछ 1 चम्मच और इसे मैं ले लूँगी हथेली में लगाऊँगी और थोड़ा सा लूँगी मिक्सचर और इस मिक्सचर की बनाऊँगी छोटी बॉल और उस बॉल को थोड़ा सा प्रेस करके पेड़े जैसा शेप देना है। जैसे हम वड़े बनाते हैं, साबूदाने के वड़े बनाते हैं, बस उसी तरह से हमें इनको भी बनाना है। ये भी चावल के वड़े हैं, जिस तरह से हम साबूदाने के वड़े बनाते हैं उस तरह से ये चावल के वड़े बनाने हैं हम। इनको आप चावल के वड़े कह सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सारे पेड़े हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ हो गया है तेल गरम। अब इन पेड़ों को हम एक एक करके बिल्कुल आराम से ऑयल में डाल देंगे डीप फ्राई होने के लिए। बिल्कुल आराम से डालिए, तेल ना उछटे। और इस ऑयल में जितने पेड़े आपके बन जाएं उतने डाल दीजिए। और इन पेड़ों को डालकर आप तुरंत मत चलाइए,
थोड़े देर इसी तरह से इन्हें ऑयल में डले रहने दीजिए। फिर स्पैचुला की सहायता से धीरे से नीचे से आपको इन्हें निकालना है, क्योंकि हल्के से नीचे चिपक जाते हैं। अगर आप इन्हें ज़ोर से निकालेंगे तो फट जाएंगे तेल में, इसलिए बिल्कुल आसानी से नीचे आराम से आप निकालिए और फिर देखिए इन्हें पलट के, ये बिल्कुल भी ना तो फटेंगे ना फैलेंगे और बहुत बढ़िया वड़े बनते हैं ये। आप साबूदाने के वड़े खाना भूल जाएंगे, इतने आसानी से और इतनी जल्दी ये बन जाते हैं। और जब भी आपके चावल बचेंगे ना तो आप ये वड़े ज़रूर बनाओगे। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम क्या करें इन चावलों का। अब इन वड़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे, बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाते हैं। और ये देखिए जितना मिक्सचर बचा हुआ था मैंने उसकी बना ली है एक जैसी एक बराबर बॉल्स, और इन बॉल्स को बनाकर मैं रख लूँगी और फिर इनको हल्का सा चपटा करके शेप दे के वड़ों का ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए सारी बॉल्स हो गई हैं तैयार। और यहाँ मेरे वड़े भी अच्छी तरह से सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। इन्हें मैं निकालूंगी टिश्यू पेपर में, ये देखिए कितना अच्छा कलर आए हैं ना, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, यकीन मानिए। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वड़े आपको कैसे लगे, आपने बनाए तो कैसे बने और इनका टेस्ट आपको कैसा लगा। बहुत बढ़िया बनते हैं ये वड़े और बच्चे तो इतने शौक़ से खाते हैं कि अगर आप बचे हुए चावल उन्हें देंगे दोबारा खाने के लिए ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और अगर आप इस तरह से उन्हें वड़े बनाकर दे देंगे ना टोमेटो केचप के साथ तो बस फिर तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, बहुत शौक से खाएंगे और आपके बचे हुए चावल भी यूज़ हो जाएंगे। ये देखिए बाकी के भी मैंने बना लिए हैं। तो बन गया है मेरा नाश्ता। मैंने आज आपको दाल और चावल, बचे हुए दाल और चावल से नई डिशेस बनाना सिखाई है। ये देखिए अभी ये बन रहे हैं, कुछ पकौड़े मेरे तैयार हो गए हैं। अब हम बैठकर करेंगे नाश्ता और गुनगुन और गट्टू देंगे आपको इसका रिव्यू। ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, पराठे भी बन गए हैं दाल के और चावल के वड़े भी हो गए हैं तैयार। अब मैं इन्हें सर्व करूंगी दही के साथ और टोमेटो केचप के साथ। गुनगुन हाय बोलो। गुनगुन हाय। जल्दी जल्दी आओ गट्टू, जल्दी आओ। गट्टू तैयार हो रहा है। देखो मैंने दोनों डिशेस बना दी हैं दाल और चावल से। दाल से पराठे बनाए थे और चावल से ये पकौड़े बनाए हैं, वड़े बनाए, वड़े जैसे साबूदाने के वड़े बनते हैं ना वैसे वड़े बने हैं ये, साबूदाने के, चावल के वड़े बने हैं साबूदाने के नहीं। अब गट्टू और गुनगुन दोनों आपको बताएंगे खाके कि कैसे बने हैं। खाके बताओ गट्टू, टेस्ट बताओ कैसा बना है। गरम है। यमी। हाँ। यम। यस। गुनगुन बढ़िया बढ़िया बने। पराठे भी खाके बताओ कैसे बने हैं।
पराठे खा के बताएगा गुनगुन कैसे बने हैं। गट्टू पराठे खाओ, पराठे खा के बताओ। गट्टू को तो वड़े इतने अच्छे लग रहे हैं, पराठे चू नहीं रहा अभी, अभी खाया नहीं है उसको तो इसलिए पता नहीं है। पराठे भी बढ़िया है, पराठे भी बढ़िया है कह रहा है गुनगुन। अब मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ आपको। बहुत अच्छे बने, एकदम फूल जाते हैं ये। बहुत बढ़िया बने, एक बार बना के जरूर देखिए। बचे हुए चावलों से इतने अच्छे वड़े, आप साबूदाने के वड़े खाना भूल जाओगे। ठीक है, अब हम लोग खाते हैं नाश्ता। बाय। देखिए अभी पूरे नाश्ते के बर्तन निकल आए हैं। अब ये बर्तन मैं धोऊंगी और फिर लंच की तैयारी करूंगी। तो मैंने आज आपको बनाना सिखाया बचे हुए दाल और चावल से दो रेसिपीज, और गुनगुन गट्टू ने आपको रिव्यू भी दिया। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।